है गाइज गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे घर होंगे सुरक्षित होंगे और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज वर्ल्ड मिल्क डे है और इसी के दिन आज हम डिस्कस करेंगे मिल्क के जितने भी एस्पेक्ट या जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपका मिल्क के रिलेटेड जो आपका वाइट रेवोल्यूशन है ऑपरेशन फर्ड है उसके बाद मिल्क के जो डिफरेंट टाइप है मिल्क का जो कंपोनेंट है ए और ए मिल्क में डिफरेंस क्या होता है और आपका अगर हम बात करें तो मिल्क के अंदर जो डिफरेंट आपका प्रोसेसिंग किया जाता है या फिर जैसे पास्चराइजेशन स्ट्राइजेशन

आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक अवेलेबल है चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप Uh, जो है अभी तक हमारे नए बैच को जो कि 20 जून को स्टार्ट होने वाला है उस बैच को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ये ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों के लिए है और इसमें आपका जो बुक है वो इसमें इंक्लूडेड है जो कि फ़्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ और बाकी जो लेक्चर जितने भी है ना हर प्रकार की जो क्वालिटी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आपको कंटेंट दिया जाएगा और आपका पूरा का पूरा जो है इसके अंदर टिल एग्ज़ाम तक जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे एग्रीकल्चर के उन सभी के साथ में कवर करते हुए पूरा का पूरा का आपको बेनिफिट इसके अंदर दिया जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जल्दी से आप कांटेक्ट जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उन पर कांटेक्ट कर सकते हो चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सेशन में क्या दिया हुआ आपका कि मिल्क है ना तो आपका मिल्क क्या है मिल्क का अगर आप बात करें कंपोजिशन क्या है तो उसके बारे में बात करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि इंडिया के अंदर आपका यहां पर जो है आ, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने क्या बोला कि आपका यहां पर इंडिया के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है तो यहां पर सबसे पहले आपका एनडीआरआई है जो कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में एस्टेब्लिस्ट है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपका आनंद गुजरात में प्रेजेंट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका मैसूर कर्नाटका में प्रेजेंट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका इज़्ज़त नगर बरेली यूपी में प्रेजेंट है और इसी के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी जो कि आपका बेंगलुरु कर्नाटका में प्रेजेंट है तो ये आपके इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर इनके हेड क्वार्टर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर एन है उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसी प्रकार से इनकी फुल फॉर्म और इनका हेड क्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है या फिर ये कहाँ लोकेटेड है वो आपसे पूछ सकते हैं तो जी सबसे पहले गुड इवनिंग गुड मोहनपुर बाबूलाल बहुत बढ़िया गुड इवनिंग डियर हैप्पी वर्ल्ड मिल्क डे आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई है ना मिल्क डे को लेकिन मिल्क डे क्यों मनाया जाता है इसका थीम क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो है ना केवल हैप्पी आपका वैलेंटाइन डे दे बोल देने से या फिर हैप्पी आपका है ना फादर्स डे बोल देने से मदर्स डे बोल देने से केवल ये डे नहीं मनाए जाते हैं है ना इनका जो भावनाएँ हैं इनके साथ जुड़ी हुई है उसको समझने से और इसके साथ वर्क करने में आपको जो है आ, थोड़ा सा फोर्स लगता है उसी प्रकार से अभी पांच या जो जून को आपका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ रहा है है ना हम सब लोग फोटोज लगाएंगे लेकिन प्लांट कितने लोग लगाएंगे ये हम देखते हैं ना चलिए वापिस आते हैं आपके जो है टॉपिक पे तो टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके व्हाइट रेवोल्यूशन की देखो मिल्क से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि आपका आ, एक इंडिया के अंदर अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो आपका 23 है ना टोटल जो वर्ल्ड का प्रोडक्शन है उसका 23 परसेंट प्रोडक्शन कौन करता है इंडिया करता है और इसी के साथ इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में उसके साथ अगर बात की जाए तो वाइट रेवोल्यूशन उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वाइट रेवोल्यूशन क्या है वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्ग क्यूरियन जिनको आप मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हो और आपके वाइट रेवोल्यूशन का फादर भी उनको कंसिडर किया जाता है उन्होंने इस रेवोल्यूशन को जो है आपका कहीं ना कहीं कही रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने इस रेवोल्यूशन को लेके आने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 1964-65 में क्या हुआ था एक प्रोग्राम डेवलप किया गया था जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था एक प्रोग्राम था जिसके अंदर हम कैटल को इम्प्रूव करने के लिए उनकी वेराइटीज या उनकी ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए यह प्रोग्राम आपका क्या किया गया था चलाया गया था यानी कि एनिमल रेयरिंग में और आपका मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस प्रोग्राम को जो है लाया गया बाद में क्या हुआ कि आपका यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक नया प्रोग्राम आपका लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड जो है वो 1970 1970 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया था और इसको स्टार्ट करने में डॉक्टर वर्गिस ने बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑपरेशन फ्लड के अंदर तीन फेजेस थे आपके क्या थे इसके अंदर तीन फेजेस थे जिसके अंदर मेनली मेन टारगेट यही था कि मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए चाहे उसमें जो भी आपका शाम दाम दंड भेद है ना जिसके अंदर फोकस किया गया कि सबसे पहले आपका जो ब्रीड्स हैं उनको इंप्रूव किया जाए जैसे कि आपको याद होगा कि हॉर्चन फ्रीजियन को जो है इंट्रोड्यूस करवा के उसका क्रॉस जो है यहां पर लेके हम लोग जो है इसको इंप्रूव करवाना चाहते थे मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते थे क्योंकि जो एक्जोटिव काउ है उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है ज्यादा होता है लेकिन आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू सुना होगा जिसके हम बार बारे में बात करते हैं कि आपकी जो देसी गाय होती है उनका दूध ज़्यादा अच्छा होता है और जो आपकी एक्जोटिक काओ यानी कि जो बाहर की काओ है उनका जो मिल्क होता है वो बहुत लो क्वालिटी का होता है ऐसा क्यों बोला जाता है ये जो है क्यों एक बड़ा जो है कॉन्ट्राडिक्शन का रीजन बना इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ए वन और ए टू मिल्क क्या होता है लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि हमारा जो फेज वन फेज टू और फेज थ्री जो ऑपरेशन फ्लड के अंदर आया था उसके अंदर मेन सबसे पहले ब्रीड को इंप्रूवमेंट किया गया उसके बाद आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को प्रमोट करने की कोशिश की गई उसके बाद जो आपका मिल्क है क्योंकि मिल्क को केवल प्रोड्यूस कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है मिल्क के बाद जो मिल्क का प्रोसेसिंग है और मिल्क के बाद उसका स्टोरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें जो कंटेमिनेशन होने की वजह से मिल्क के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जाए कैसे सैनिटाइजेशन को इंप्रूव किया जाए उसमें भी इसको फोकस किया गया था या जो एनिमल के अंदर डिजीज़ आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे उनको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके ऊपर फोकस किया गया और आपका अंत में जो है कही कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाकर और आपका इंडिया को जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर वन पे लाया गया मिल्क प्रोडक्शन में ठीक है चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां पर फेज वन फेज टू और फेज थ्री ये तीनों फेजेस है जिसमें पहले फेज के अंदर 1970 से लेकर 1980 तक कई बार पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फेज जो था वो 1970 से 1980 तक चला यानी कि कितना टाइम पीरियड तक चला दूसरा फेज हमारा पांच साल तक के लिए था 1981 से 1985 तक और फेज थ्री जो था वो भी आपका टेन ईयर्स के लिए था नाइनटीन से नाइनटीन तक है ना तो इसके साथ ही आपका ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और आपका जो है मिल्क डे जिसके अंदर नेशनल मिल्क डे और वर्ल्ड मिल्क डे जो आपका है मनाया जाता है आपका वर्ल्ड मिल्क डे जो कि आज एक जून है उसको मनाया जा रहा है उसका जो थीम है वो आपका क्या है डेरी नेट जीरो अब इसको समझना पड़ेगा कि डेरी नेट जीरो का मतलब क्या है आप सब लोग जानते हैं कि एनिमल को रेयर जब करते हैं तो ग्रीन हाउस इमिशन बहुत ज्यादा होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनता जा रहा है तो आपके ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस करना किसके अंदर कहीं ना कहीं डेयरी सेक्टर में ये नेक्स्ट ईयर का जो है टारगेट रखा गया है उसी को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं डेरी नेट जीरो और इसके अंदर अंदर थीम के अंदर ये इंप्रूव करने के लिए कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए क्योंकि आपका जो एनिमल का वेस्ट होता है उसी में से मिथेन गैस निकलती है क्या निकलती है आपकी मिथेन गैस निकलती है और उसी मिथेन गैस की वजह से क्या होता है आपका ग्रीन हाउस जो है वो आपका बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ रही हैं उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपका जो है इसका थीम को टारगेट किया गया है और आपका जो है जो, जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके इमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है नेक्स्ट आपका नेशनल मिल्क डे है नेशनल मिल्क डे आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर छब्बीस नवंबर को जो कि आपका यहाँ पर डॉक्टर वर्गिस क्यूरियन का बर्थ एनिवर्सरी होता है उस पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट जो टू के अंदर सेलिब्रेशन किया गया था उस टाइम ंडर्थ आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन की तो उसी के टाइम पर उनको जो है 26 नवंबर को दिन हमारा नेशनल मिल्क डे है ना ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर मिल्क को इंप्रूव करने के लिए इंडिया के अंदर जो है आपका मिल्क की अवेलेबिलिटी आपकी इंप्रूव करने के लिए मिल्क के अंदर कंटेमिनेशन को डिक्रीज करने के लिए मिल्क के अंदर जो आपकी ब्रीड्स हैं चाहे आपको देसी कावज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए ठीक है इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट आपका है कि मिल्क की अवेलेबिलिटी एग की अवेलेबिलिटी और आपका मीट की अवेलेबिलिटी सबसे पहले मिल्क की बात करते हैं तो 2020-21 के अंदर 427 है। लेकिन आपका 2019-20 की बात करें तो उस टाइम आपका 407 ग्राम पर डे था ठीक है जो कि अभी आपका इंक्रीज हो चुका है टू के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट अगर हम बात करें मीट की तो मीट की अवेलेबिलिटी अभी इंक्रीज होकर आपकी कितनी हो चुकी है सिक्स किलोग्राम पर हेक्टेयर

है 23% टोटल प्रोडक्शन के साथ ठीक है टोटल प्रोडक्शन कितना है आपका इंडिया का वर्ल्ड के मिल्क प्रोडक्शन के कंपैरिजन में 23% है तो समझ गए होंगे कि यहां पर आपका जो मिल्क है वो आपका इंडिया के अंदर जो है कहां पर आ, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कहां आपका जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां है और प्रोडक्टिविटी अवेलेबिलिटी कहां है ठीक है इसी के साथ है मिल्क क्या होता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई मिल्क मिल्क क्या है इस चीज को समझना अच्छे से यहां पर डेफिनेशन मिल्क की दी गई है कि एक आपका होता है मेमोरी ग्लैंड की जो कि मेमल्स के द्वारा जो है मेमल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें से प्रोड्यूस हुआ जो आपका सिक्रेशन है वो यहां पर क्या होता है आपका मिल्क होता है और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है कि एटलीस्ट 72 टू आवर आफ्टर द काल्विंग लविंग के बाद जो बहत्तर घंटों के बाद जो आपका प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग मिल्क बोलते हैं तो क्वेश्चन रेज होता है कि सर बहत्तर घंटे से पहले क्या बोला जाता है उसको आप लोग कंसिडर करते हो कोलोस्ट्रम और कोलोस्ट्रम जो होता है वो आपका मिल्क से ज्यादा नरिस्ट और आपका मिल्क से ज्यादा मिनरल और न्यूट्रिय अवेलेबल आपका कंटेंट होता है इसी के अंदर अगर हम बात करें तो आपका कोलेस्ट्रम में जो है इसको फीड करवाया जाता है आपके इन्फेंट्स को या फिर जो भी आपके बच्चे होते हैं उनको इनिशियल स्टेज में रीजन क्या होता है क्योंकि इससे आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी क्या हो जाती है स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हमने अभी बोला कि इसमें मिनरल और न्यूट्रिय कंटेंट जो होता है वो क्या होता है आपका ज्यादा होता है ठीक है चलिए नदियाँ बहती है क्योंकि काओ को पूजा जाता है बहुत बढ़िया बेटा है ना चलिए काओ को पूजा जाता है अच्छी बात है है ना क्योंकि जानवर को जिसको भी हम पूजेंगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कुछ बेटर ही हमें मिलेगा चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फसाई के द्वारा जो मिल्क की डेफिनेशन दी गई है वो आपकी कुछ ऐसी है मिल्क इज ए नॉर्मल मेमरी ग्लैंड सिक्रेशन डेराइव फ्रॉम कंप्लीट मिल्किंग ऑफ हेल्थी मिल्स एनिमल विदाउट आइदर द एडिशन देअ और एक्सट्रैक्शन देयर फॉर अनलेस स्टेटेड इन द एफ डब्ल्यू एस आई रेगुलेशन यानी कि क्या बोला गया कि जो मिल्क है वो केवल मेमोरी ग्लैंड का ही क्या है सिक्युएशन है इसके अलावा यहाँ पर जो है हम मिल्क को नहीं कंसिडर करते अगर जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाद में आपका कुछ एडिशन कर रहे हैं कुछ रिमूव कर रहे हैं सो तो उसको हम लोग मिल्क नहीं बोलते हाँ उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं जैसे होल मिल्क आपका या सॉरी जिसके आपका अलग अलग स्टैंडर्डाइज मिल्क है है ना उनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं लेकिन मिल्क जो है एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें जो कि एफ डब्ल एस आई की रेगुलेशन की बात करें जो कि हमारी क्या है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है किसकी इंडिया की उसके अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो ये आपका यहाँ पर क्या होता है आपका मेमोरी ग्लैंड का सेक्रेशन होता है और आप सब लोग जानते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जल्दी से आंसर कीजिएगा कि यहां पर कौन सा हॉर्मोन है जो कि मिल्क के लेटडाउन लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब देखो एक तो होता है मिल्क का डाउन और एक होता है मिल्क का आपका जो है फॉर्मेशन uh, तो दोनों में से अगर हम बात करें आ, तो आपका कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ना यहां पर डाउन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है और सिक्रेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं कि आपका यहां पर एक मिल्क की बात करें तो मिल्क के डाउन के लिए कौन सा हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल है और मिल्क के सिक्रेशन के लिए कौन सा हॉर्मोन है इन दोनों हार्मोन के जल्दी से नाम बताइएगा साथ में लिखकर कि डाउन का ये है और सिक्रेशन के लिए ये हॉर्मोन है है ना तो जल्दी से आंसर कीजिए वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको जो है इसका आंसर करूंगा नेक्स्ट हम बात करें यहां पर तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है अगला है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी मिल्क की क्या है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें मिल्क की तो यहां पर है कि आपका मिल्क का जो पीएच होता है फ्रेश मिल्क जो आपका है उसका पीएच 6.5 टू 7.5 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट है विस्कोसिटी विस्कोसिटी जो है यह डिपेंड करता है कि इसके अंदर फैट कंटेंट कितना है या साइज ऑफ आपके फैट ग्लोब्यूल्स कितने हैं है ना तो यहां पर आपका होमोजनाइजेशन जो होता है वो क्या कर देता है विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है नेक्स्ट है आपका यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट तो फ्रीजिंग

कह सकते हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका नेक्स्ट है यहाँ पर तो ये आपके अलग-अलग मिल्क है जिनको हम लोग बोलते हैं जिनको आ, मतलब नॉन एनिमल मिल्क के अंडर कंसीडर किया जाता है कुछ बेवरेजेस इनसे प्रिपेयर की जाती है फॉर एग्जांपल जैसे सोया मिल्क है है ना राइस मिल्क है ऑलमंड मिल्क है कोकोनट मिल्क है ये आपके इनसे जो नाम लिखा गया है उसी से उस मिल्क को क्या किया गया है प्रोड्यूस किया गया है और उसी के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इनको क्या देते हैं आपका नाम दे देते हैं जैसे आपने सोया मिल्क सुना होगा तो सोया के जो सीड होते हैं उनसे हम इसको क्या करते हैं आपका प्रोड्यूस करते हैं उसी प्रकार से यहां पर दूसरा आपका क्या है राइस मिल्क राइस मिल्क जो होता है राइस के आपके ग्रेन से क्या किया जाता है प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है आलमंड मिल्क तो वो भी आपका क्या होता है आलमंड से प्रिपेयर किया जाता है और कोकोनट जो है वो कोकोनट आपका जो है उससे प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर किसी बच्चे ने पूछा भी था कि सर इसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपके कितने होते हैं कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं देखो मिल्क का पूरा कंपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं मिल्क के अंदर होता क्या है कि आपका दो पार्ट होते हैं एक होता है वाटर एक होता है आपका टोटल सॉलिड है ना टोटल सॉलिड पार्ट और आपका वाटर पार्ट तो यहां पर वाटर का तो समझ ही गए एवन परसेंट है लेकिन टोटल सॉलिड जो आपका 13 परसेंट है उसमें होता है एक तो फैट पार्ट होता है और एक आपका एस जिसको आप सोलिड नॉट फैट बोलते हो समझ में आ गया जैसे आप लोग मोस्टली जो डेयरी के अंदर मिल्क अगर देते हो तो आपने चेक किया होगा कि उसका फैट कंटेंट कितना होता है या फिर उसका एन एफ कितना होता है जैसे आप लोग नॉर्मली जब भी मिल्क को परचेज करते हो तो उसके ऊपर आपका यहाँ पर टोन मिल्क इस कौन सा होता है डबल टोन मिल्क कौन सा होता है तो वो आपका हम लोग इसके अंदर जो फैट और एस एन एफ कंटेंट होता है उसी के बिहाव पर हम उसको क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पर आपका जो सॉलिड नोट फैट है वो तो हम अगली स्लाइड साइड में समझने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर आपका जो फैट कंटेंट है वो हमारा इसके अंदर एक तो ट्रू फैट होता है और एक आपका एसोसिएटेड सब्सटेंसेस होते हैं आपका ट्रू फैट के अंदर सेवरल फैटी जो ग्लिसराइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेकिन एसोसिएटिव सब्सटेंस जो होते हैं वो जैसे कि फॉस्फोलिपिड है कोलेस्ट्रॉल है कैरोटीन है या फिर आपका है ये सारे के सारे क्या होते हैं एसोसिएटिव सब्सटेंस होते हैं इसमें ठीक है और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस एन एफ में क्या कहानी होती है एस एन एफ में जो है आपके जैसे लैक्टोज या फिर आपका मिल्क शुगर है या फिर यहां पर नाइट्रोजनस सबस्टांस है जिसके अंदर आपका नॉन प्रोटीन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है और प्रोटीन के अंदर आपका क्या होता है कैसीन देखो कैसीन जो है वो आपका प्रोटीन का एक टाइप है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है तो यहां पर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसीन है है, या फिर, फिर प्रोटीज पेप्टोन है ये सारे के सारे क्या होते हैं प्रोटीन के टाइप होते हैं लेकिन इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है आपका कैसीन होता है ठीक है इसीलिए हम इसको यहां पर क्या कंसिडर करते हैं आपका मिल्क के अंदर जब भी प्रोटीन हमसे पूछा जाता है तो आंसर ज्यादातर क्या होता है आपका प्रेजेंट होते हैं अदर कॉन्स्टिंट इसमें वाइटामिन सी जो होता है वो आपका ना के बराबर प्रेजेंट होता है इसमें पिगमेंट डिजॉल्व गैसेस वाइटामिन और एंजाइम आपके जो है अदर कॉन्स्टेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये हमारा क्या होता है पूरा का पूरा सोलिड नोट फैट होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपके प्रोटीन को समझने की कोशिश करते हैं और यहां से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका जो ए टू एंड ए वन मिल्क यहां पर मैंने क्या बोला कि आपका जो ए वन और ए टू मिल्क है इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर क्यों कॉन्ट्राडिक्शन रहा रीजन क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर इसके बीच में अवेलेबल था देखिए होता क्या है कि आज प्रेजेंट टाइम में आ, एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल्स के अंदर भी कई बार आपने डिबेट को सुना होगा कई बार जो है कुछ लोग धर्म के आधार पर भी इस चीज को डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो हिंदू जो परिंदुज के अंदर चीज़ बोली जाती है कि आपका जो देसी गाय है वो हमारी माता के समान है, बहुत बढ़िया होती है और आपका जो है इस डिस्कशन को क्यों किया जा रहा है एक्चुअल में कहानी क्या होती है कि जो आपका मिल्क प्रोटीन होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन मेनली बोले जाते हैं एक कैसीन बोला जाता है जो कि आपका एट्टी परसेंट होता है और दूसरा हमारा वे प्रोटीन होता है अब वे प्रोटीन जो हमने अभी पढ़ा था जिसे लेक्टोग्लोबिन है या फिर लैक्टोग्लोबुलिन है या फिर आपका इविनोग्लोबिलिन है लेकिन यहां पर जो कैसीन है इस कैसीन के अंदर जो बीटा कैसीन है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बोला जाता है मैंने क्या बोला इसके अंदर आपका जो बीटा कैसीन है इसी प्रोटीन के बिहाफ पर हम लोग जो है ए और ए मिल को डिवाइड करते हैं होता क्या है कि जो आपका एवन मिल्क होता है उसमें ये जो प्रोटीन होता है जब डाइजेस्ट होता है क्या बोला मैंने जब मिल्क को हम लोग ड्रिंक करते हैं तो अब आपका यहां पर जो एवन बोल रहे हैं ना ये एक्सोटिक काओ में होता है ठीक है और जो हमारी देसी होती हैं उनमें आपका ए टू मिल्क होता है इस चीज को समझना अच्छे से जब हम लोग ए वन मिल्क को ड्रिंक करते हैं पी लेते हैं तो पीने के बाद क्या होता है डाइजेशन के बाद उसमें से एक कंपाउंड रिलीज हो जाता है क्या रिलीज हो जाता है एक कंपाउंड रिलीज हो जाता है सेपरेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी क्या बोलते हैं हम बी सी एम सेवन है ना इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करना कि ये कंपाउंड है है ना इसको बोलने का या फिर इसको जो फुल फॉर्म बोलते हैं बीटा कैसो मोरफिन, है ना बीटा कैसो मोरफिन ये हमारा सेवन बेस कंपाउंड होता है ये एक्चुअल में जब डाइजेशन होगा मिल्क का तो उस टाइम एवन मिल्क के अंदर क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है एवन मिल्क में क्या हो जाता है ये सेपरेट हो जाता है अलग हो जाता है और सेवन मिल्क जब ये सेवन बेस कंपाउंड आपका जब अलग होता है सेपरेट होता है तो उसी की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं आपका कि एवन मिल्क आपके लिए एक खतरनाक कंपाउंड बन जाता है और ये खासकर क्योंकि इसको जो बेबी होते हैं इन्फेंट

ये प्रॉब्लम होती है जो अटाविज्म हम बोलते हैं इसको ना तो वो इसी की वजह से होती है या फिर जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं यानी कि जो आपके आ, मिल्क जो आपका ब्लड है वो आपका थिक हो जाता है थोड़ा सा मोटा हो जाता है वो भी इसी की वजह से होता है उसके अलावा जो डायबिटीज है है ना है ना तो ये किसकी वजह से होती है इसी की वजह से देखने को मिलती है हार्ट जो आपके है ना जो कार्डियक डिजीज है वो भी इसी की वजह से आपके देखने को मिल रहे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पर ए मिल्क जो है वो हमारा क्या माना जाता है खराब माना जाता है और ए मिल्क में क्या होता है कि ये जो बी कंपाउंड है वो सेपरेट नहीं होता इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन ये सेपरेट होने के बाद डाइजेस्ट होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और 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 ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है है आपकी बॉडी के अंदर इसीलिए आपका, आपका, आपका हार्मफुल तो इसको बैन क्यों नहीं कर देते या फिर पहले इसके ऊपर क्यों नहीं किया गया देखो शुरुआत में, ये में नहीं थी गई थी मैं भूल गया हूं किस एक साइंटिस्ट थे उन्होंने टू या टू के अंदर आपका फोकस किया उस बुक में सारा बताया कि ए वन है और ए टू मिल्क ये है उसके बाद ये नॉलेज में आया था उससे पहले तो ए वन और हमारा जो मिल्क है ना उसके अंदर लेके तो ले आ रहे थे, और लगातार कर रहे थे कि आपका मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए आज प्रेजेंट टाइम में आपको शायद पता नहीं होगा कि हम आपकी जो गिर गाय है वैसे तो गिर गाय हमारे गुजरात की है और हमारे इंडिया की है लेकिन फिर भी हम लोग जो है उसका सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं

अब हमें इस चीज को क्या करना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसीलिए जो आपका ए वन और ए टू मिल्क है ये डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि सर जो आपका ए वन और ए टू मिल्क है इससे पहले एक चीज ये है कि जो आपका बफेलो मिल्क है वो हम लोग क्यों बुरा मानते हैं और काओ का मिल्क क्यों बेटर मानते हैं देखो इसमें कोई वो चीज़ नहीं होती फ्लैट जो आपका फैट ग्लोब्यूल्स होता है आपके बफेलो के अंदर वो थोड़ा सा साइज बड़ा होता है और आपके काओ के अंदर साइज होता है वो छोटा होता है इसकी वजह से आपके अगर बफेलो के मिल्क को थोड़ा सा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट है और उसके मिल्क को डाइजेस्ट

आपका विटामिन सी और आयरन जो है वो मिल्क के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं ज्यादा होते हैं पुअर होते हैं या फिर है? ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा पुअर सोर्स ठीक है एबसेंस नहीं बोलोगे अगर एबसेंस बोला तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा गलत ये क्या होता है आपका पुअर सोर्स होता है क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट आपकी प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर आप लोग पुअर सोर्स बोल सकते हो लेकिन यहाँ पर एबसेंस इसको नहीं बोला जा सकता अब हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट मेमल्स हैं इनके जो मिल्क कंपोजिशन है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो वाटर आपका कितना होता है फैट कंटेंट कितना होता है इलेक्ट्रोज कितना होता है प्रोटीन कितना होता है आपका टोटल सोलबल साठ परसेंटेज कितना होता है या फिर एस कितना होता है तो यहाँ पर मेजरली आपको काओ बफेलो गोट सीप इनको याद करना है बाकी सारों को चाहे आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है और इन चारों के अंदर जो आपका वाटर फैट लेक्टोज प्रोटीन ये कंटेंट जो है इसे आपको क्या करना है याद करना है इसको आप लोग क्या कर सकते हो लिख सकते हो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक चीज समझना पड़ेगा आपका कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा लैक्टोज कंटेंट है वो यहाँ पर किसमें हैूमन में है में है ना चलिए और आपका जो शिप के अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो क्या है आपका सबसे ज्यादा है इसी के साथ आपका जो टोटल सोल्यूबल सॉल्ट है वो आपका वो भी टोटल सोल्यूबल जो है आपका सोलिड जो है वो भी किस में ज्यादा है शिप में ज्यादा है और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर मेयर के अंदर सेकेंड नंबर पे लैक्टोज है है ना और आपका कैमल के अंदर उसके बाद नेक्स्ट पे और उसके बाद आपका जो एस एन एफ कंटेंट है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है आपका कैमल में होता है लेकिन वैसे किस में होता है शीप में होता है तो कैमल ज्यादातर ऑप्शन में नहीं आता तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मिल्क कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट आपकी ब्रीड के अंदर जैसे काउ ब्रीड है है ना तो आपका यहाँ पर सिंधी साहिवाल गिर थार पारकर और हरियाणा इन अलग अलग ब्रीड के अंदर जो आपका अलग अलग कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है

अंदर कह सकते हो कि जो आ, 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 आपका क्या बोलते हैं उसको क्षमता जो जो बॉडी की मैं नाम भूल गया यार उसको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप लोग अब शब्द नहीं आ रहा है मेरे को है ना माइंड से स्किप हो गया है रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या बोला जाता है आपका आ, यार वर्ड्स इज जस्ट आउट ऑफ चलिए छोड़िए है ना तो ये हमारा क्या करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज़ करता है और इसी के साथ यानी कि एंटीबॉडीज डेवलप करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडीज है डिजीज के अगेंस्ट में वर्क कर सकती है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका न्यूट्रिएंट टेस्टम में कितना होता है तो फैट प्रोटीन लैक्टोज और टोटल इस प्रकार से आपका प्रेजेंट होता है यानी कि प्रोटीन कंटेंट भी इसमें अच्छा खासा प्रेजेंट होता है प्रोटीन का एक रिच सोर्स है ऑर्गेनिक मिल्क क्या है तो ऑर्गेनिक मिल्क जो होता है वो हाँ इम्यूनिटी बिल्कुल सही बोला आपका ऑर्गेनिक मिल्क क्या होता है ऑर्गेनिक मिल्क जो होता है वो आपका लाइफ स्टॉक को अगर आप ऑर्गेनिकली फार्मिंग के द्वारा ग्रो करवाते हो और उसके बाद जो प्रोडक्शन करते हो मिल्क को उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मिल्क बोलते हैं इन मोस्ट ड्यूरिडिक्शन यूज ऑफ द टर्म ऑर्गेनिक और इक्वलेंट लाइक बायो और इको यानी कि आप इकोलॉजिकल तरीके से आप बिना किसी फर्टिलाइजर न्यूट्रियट को डाले बिना क्रोप में और आपका देसी तरीके से जैसे नेचुरली पहले हम लोग एनिमल को फीड करवाते थे जंगल में और वापस लाकर हम बांध देते थे या फिर उसको वहीं पर openly थे। तो के चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका टाइप ऑफ मार्केट मिल्क जो मार्केट के अंदर मिल्क है वो हमारा कैसा होता है तो यहां पर सबसे पहले हमारा क्या है होल मिल्क है, है डायरेक्टली जो आपका विदाउट एनी एडिशन यहां पर हम लोग मिल्क को लेके आते हैं वो वो हमारा क्या होता 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 है तो काओ जो मिल्क है 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 तो जो जो उसके अंदर फैट जो है वो कभी भी आपका से लेस नहीं होता। और जो एस एन एफ आपका नाइन से, से कम नहीं होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज मिल्क जो होता है उसमें आपका, आपका फैट होना चाहिए और आपका 8.5 परसेंट क्या होना चाहिए एस एन एफ होना चाहिए तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि स्टैंडाइज मिल्क में फैट कंटेंट कितना होता है या फिर आपका एस एन एफ कंटेंट कितना होता है उसी प्रकार से टोंड मिल्क टोंड मिल्क क्या होता है ये आपका जब वाटर के अंदर सॉरी स्किम मिल्क में जब आप लोग क्या करते हो वाटर को ऐड करते हो स्किम मिल्क पाउडर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं है ना आपका टोन मिल्क बोलते हैं और यहां पर आपका क्या बोला मिल्क ऑबटेन फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर एंड स्किम मिल्क पाउडर टू होल मिल्क ठीक है ये हमारा क्या होता है टोन मिल्क होता है टोन मिल्क के अंदर क्या कहानी होती है थ्री परसेंट फैट कंटेंट होता है और आपका एट पॉइंट फाइव परसेंट क्या होता है एस एन एफ होता है यानी कि इसमें आपका वाटर स्किम मिल्क और यहां पर होल मिल्क ये तीनों ही क्या होते हैं एडिशन करके इसको प्रिपेयर किया जाता है नेक्स्ट आपका डबल टोन में क्या हो जाएगा आपका टोन मिल्क का जो है इसके अंदर आधा रह जाएगा क्या फैट कंटेंट उसमें 3 था इसमें कितना हो जाता है हो जाएगा और कंटेंट कितना हो जाएगा रीकॉन्टिट्रेंट हो जाएगा कॉन्स्टिटेंट मिल्क मिल्क जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि आपका यहां पर मिल्क प्रिपेयर्ड बाय डिस्पेरिजिंग होल मिल्क पाउडर इनटू द वाटर केवल आपका वाटर में मिल्क पाउडर को डिस्पर्स करने के बाद जो मिल्क प्रिपेयर किया जा रहा है वो

नेक्स्ट आपका यहां पर मिल्क प्रोसेसिंग है मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है आपका क्लैरिफिकेशन फिर आपका होमोजेनाइजेशन फिर आपका पॉस्चुराइजेशन फोर्टिफिकेशन ब्लीचिंग है ना या फिर आपका डिहाइड्रेशन तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन या क्लीनिंग देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपका क्लैरिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग क्या करते हो स्मॉल पार्टिकल जैसे स्ट्रो है हेयर है 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 उन सब चीजों को यहां पर आप क्या क्या करते करते हो करते हो रिमूव नेक्स्ट में क्या होता बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है और माइक्रो फिल्ट्रेशन में भी हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं आपका रिमूव करने का काम करते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं नेक्स्ट आपका होमोजेनाइजेशन होता है होमोजेनाइजेशन में क्या होता है जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं मिल्क में उनको छोटे छोटे पार्टिकल

कि पास्राइजन का मेन पर्पज क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका एफओ में क्वेश्चन आया हुआ था तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय द अनडिजायरेबल एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेजम प्रेजेंट इन मिल्क टू एनहेंस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क यानी कि आपके अनडिजायरेबल और पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेजम है उनको क्या करना खत्म करना उनको रिड्यूस करना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पास्टुराइजेशन आफ्टर द मिल्क इज इमीडिएटली कूल्ड टू फाइव डिग्री सेल्सियस और बिलो तो याद रखना कि पास्टुराइसन के बाद अगर पूछा जाए कि कितना डिग्री सेल्सियस पर उसको लो डिग्री सेल्सियस पर उसको जो है आपका ठंडा किया जाता है कूल किया जाता है तो आपका फाइव डिग्री सेल्सियस या फोर्टी वन डिग्री फेरनहाइट पास्टुराइजन जो है इसके अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपके न्यूट्रीटिव चेंज बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर वाइटामिन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं स्पेसिफिकली हमारा वाइटामिन बी और वाइटामिन सी और नेक्स्ट आपका यहां पर है कि डिफरेंट जो पास्राइजेशन है जैसे लो टेम्परेचर एल टी एल टी जिसको आप लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम बोलते हो इसको हम 60 डिग्री डिग्री सेल्सियस पर और 30 मिनट के लिए हम लोग इसको रखते हैं और इसको होल्डिंग या फिर बैच पास्चुराइजेशन मेथड भी बोला जाता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम एस टी एस टी जिसको अगर हम बात करें तो सेवेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिफ्टीन सेकंड के लिए हम लोग रखते हैं और इसको हम लोग जो है फ्लैश पास्चुराइजेशन या कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ पास्चुराइजेशन भी बोलते हैं तो इनसे एग्जाम में आपका डेफिनेटली क्वेश्चन जो होते हैं पूछे ही जाते हैं और यहां पर बार बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे गए हैं नेक्स्ट आपका स्टेशन स्टेसे, आ, स्टेसे?

फोर्टिफिकेशन लेकिन एक और होता है आपका अल्ट्रा हाई टेम्परेचर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से लेके 141 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड के लिए किया जाएगा कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए तो ये हमारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आपका ये भी पास्टराइजेशन का ही क्या होता है आपका टाइप होता है नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि मिल्क के अंदर आप लोग एड ऑन करते हो तो मेनली इसके अंदर जो एड ऑन किया जाता है वो वाइटामिन

होता है वो हम लोग क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ मिल्किंग है मेथड ऑफ मिल्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या होता है कि एक तो हैंड मिल्किंग है और एक आपका मशीन मिल्किंग है हैंड मिल्किंग में हम लोग क्या करते हैं आपका अलग अलग मेथड्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यहां पर क्या आ जाएगा आ, जो नकलिंग मेथड होता है उसके बाद स्ट्रिपिंग आ जाएगा फिस्टिंग आ जाएगा है ना और देखिए ये आपके सारे के सारे क्या है मेथड है सबसे पहले आपका स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग के बाद फिस्टिंग जिसको हम नकलिंग मैथड भी बोलते हैं फिर आपका फुल हैंड मेथड और फुल हैंड मिल्किंग फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग ये आपके चार मेथड यहां पर बोले जाते हैं यानी कि स्ट्रिपिंग में क्या होता है इन मेथड में क्या होता है इस चीज को एक बार देख लेते हैं आ... देखिए रिकमेंडेड मेथड जो है वो क्या होता है आपका फुल हैंड मिल्किंग स्ट्रिपिंग इस मेथड को जो है, आपका करने को, करने को बोला जाता है. सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो है, है. तो इसमें क्या हो रहा है आपका पूरा का पूरा जो है जो टीट है उनको ग्रेफ करके फिर उसको जो है आपका मिल्क डाउन किया जाता है नेक्स्ट यहां पर बात करें तो स्ट्रिपिंग मेथड स्ट्रिपिंग में केवल दो आपकी उंगलियों के सहारे से मिल्क को आपका क्या किया जाएगा लेट डाउन किया जाएगा नेक्स्ट आपका

कौन सिट्रिक एसिड वाली मेडिसिनल क्रोप है मिल्क के साथ लेते हैं सॉरी डियर मुझे नहीं पता है कि सिट्रिक एसिड वाली मेडिसिनल क्रोप है और सर हीरो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हीरो ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया है जो कि एम एस स्वामीनाथन लेकिन हीरो ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन पहली बार आपसे वर्ड सुना है ठीक है ऐसा कहीं किसी बोल दिया गया लेकिन ग्रीन के बारे में फादर ही बोला जाता है और वो भी इंडिया के अंदर है है तो आपका डॉक्टर डौक, एम एस स्वामीनाथन और वर्ल्ड के अंदर है तो आपके एनी बोरलोंग है ठीक है चलिए तो यहां पर यह चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने यहां पर क्या आपको बताया तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन का आंसर था कि मिल्क के डाउन में कौन सा आपका जो है प्रोटीन कौन सा आपका हार्मोन हेल्प करता है और मिल्क के

बैच के अंदर आपको अभी एड ऑन किया जाएगा तो उसमें आपको बहुत सारे फायदे हैं क्लासेस स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है आपके टिल एग्जाम तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और मेन्स के लिए आपका बेहतरीन कोर्स और बेहतरीन क्वालिटी क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी होती है एक सिलेक्शन के लिए तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और फोकस के साथ स्टडी करते रहिए आपका हार्डवर्क बहुत जरूरी है सबसे ज्यादा आपका फोकस बहुत जरूरी है उसके साथ लगे रहिए मेहनत करते रहिए और नेगेटिविटी को दूर रखिए जितना हो सकता है खुश रहिए घर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत Good night.